मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल जिले के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री ने आरुषि निशंक द्वारा बनाई गई वेब फिल्म काफल में के मुहूर्त पर भी पहुंची। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आज पूरे देश के में फिल्मों के लिए जाना जा रहा है। हमारी सरकार जल्द ही फिल्म नीति लेकर आ रही है, जिससे कि राज्य में रोजगार के अवसर मिलेंगे। सीएम ने कहा कि पंतनगर को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जिससे दुनिया के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। सीएम ने कहा कि चार धाम में 50 लाख लोग पहुंचे हैं, तो 4 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु सावन में जल लेने हरिद्वार पहुंचे। सीएम ने कहा कि फिल्मों के जरिए राज्य में रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। हमारे कलाकार हैं, हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, भाषाएं हैं, उन पर भी इसका जो निर्माण है उसको हमने प्रोत्साहन की, हमने नीति पहले से बनाई हुई है। और हम फिल्म फ्रेंडली स्टेट के रूप में हमको अवार्ड पूरे देश का मिल चुका है। और इधर के सालों में तेज़ी से जो अन्य स्थानों पर लोग शूटिंग के लिए जाते थे, अब शूटिंग के लिए प्रमुख स्थान उत्तराखंड बन रहा है। हमने उनके लिए भी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर की है, ऑनलाइन उनको चाहे फिल्म की परमिशन देनी हो, चाहे अन्य व्यवस्थाएं करनी हो, सुरक्षा की दृष्टि से भी कानून व्यवस्था की स्थिति भी राज्य में अच्छी है और तेज़ी से फिल्मों का निर्माण राज्य के अंदर हो रहा है। सैकड़ों फिल्में पिछले सालों में बनी हैं, आने वाले सालों में और तेज़ी से बनेंगी। हम लोग फिल्म नीति भी जल्दी ही लाने वाले हैं, जिसके कारण से और तेज़ी से लोग फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उत्तराखंड आएंगे। और आएंगे तो निश्चित रूप से जहां वो अपनी फिल्म निर्माण का काम यहां करेंगे, वहीं स्थानीय लोगों को, होटल वालों को, टूरिस्ट टैक्सी वालों को, हमारे पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले गाइड्स को, सभी को कहीं ना कहीं रोज़गार से जुड़ने का अवसर मिलेगा।